मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, सब एक्सीडेंट हुआ बड़ा। कारण क्या? तो पेड़ रास्ते में आता है, उसको तोड़ने के लिए कलेक्टर को परमिशन मांगकर 3 साल हुए पर परमिशन नहीं मिले। फिर ड्राइवर को कैटरेक्ट निकला। फिर मैंने जब जांच की मेरे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, तो 40% ड्राइवर कैटरेक्ट वाले निकले। फिर एक मुख्यमंत्री का गाड़ी का ड्राइवर अनेक सालों से गाड़ी चला रहा था, वो अंधा निकला। फिर एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर, उसकी एक आंख गई थी। यानी हमारे देश में मेरे समझ में नहीं आता कि इतने सीरियस इश्यू पर कितनी उदासीनता है। और ये मेरे बोलना लोगों के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से फिर कैंप शुरू हुए कैटरेक चेक करने के, टोल नाके पर कैटरेक चेक किया, चश्मे देने की बात हुई। अब हमने ड्राइवर के लिए एसी कैबिन लाई। मुझे लगता है कि ये इशू शायद हमारी एक कमी होगी कि इसके जो, इसका जो महत्व है लोगों की जान बचाने का, शायद लोगों को समझाने में हम कम पड़े होंगे। और इसलिए ये अवेयरनेस और तैयार करना होगा, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और एक बात ये रिपोर्ट के कारण सिद्ध हुई है, जो मैं पीयूष को धन्यवाद दूंगा, कि जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, जो ब्लैक स्पॉट्स है, उसको सुधारने के बाद, उसमें कुछ सुधार करने के बाद एक्सीडेंट में और डेथ में कमी आई है। तो इसका मतलब रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार करने से कमी आ सकती है। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो बहुत सुधार हो गया, सब लोगों ने 6 एयरबैग लगाना भी शुरू कर दिया है, अभी स्टार रेटिंग भी हुआ है। तो नेचुरली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो जो रोड सेफ्टी के लिए और हमारे लोगों की जान सुरक्षा के लिए वो हो गया है, और अगर कोई सुझाव आएगा तो करेंगे। ट्रक और बसेस में भी बस का कोड था, कोई भी हथौड़ा लेके बस में बैठता था और रोड पर बस बॉडी बनाता था। 6 बार 7 बार मैंने उनको टाइम दिया। अभी हमारे यहाँ समृद्धि महामार्ग पर एक बस आई, जल गई, 50 लोग मर गए। उस दिन मैं इतना गुस्सा हो गया, मैंने बोला सेक्रेटरी जी को कि ये खत्म करो इसको। अब प्रॉब्लम यह है कि बसेस में, जब अभी ये जो बड़े कंपनी ने बसेस बनाए, अभी मैंने एक स्लीपर कोच बस बेंगलोर में लॉन्च किया था, ये जो ग्लास दिखती है आपको बड़ी, इस प्रकार से वो पूरी ऐसी जो विंडो थी उसमें बड़ी ग्लास है और उसके बाजू में प्लास्टिक की हथौड़ा है। अगर बस गिर गई तो हथौड़े से वो तोड़ कर वो बाहर आ सकते हैं। ये भी सुविधा ये अभी बस में नहीं थी। घटिया क्वालिटी कितनी बनाना सस्ता बनाने के लिए, तो उसके कितने लोग मर रहे हैं। और इसलिए अभी हमने बस में भी और कार में पीछे से बेल्ट लगाने के बारे में नियम बनाया। आज सामने वाले बेल्ट के बारे में भी नियम बनाया, काफ़ी लोगों की जान उसके अंदर बच जाती है।